एक्चुअली मेरे यहाँ आने का सबसे खास रीज़न था, हम इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे गांव में अंदर आने के लिए, हमारे गांव में बरसात में जब आप मेरे गांव में एंटर करेंगे तो वहाँ अंदर आने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश की वजह से, क्योंकि रोड की व्यवस्था नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ स्टेडियम की साइड। मोहित कॉल किया कि हम लोग इधर ही हैं, पता नहीं क्रिकेट खेलने गया है क्या करने गया है पता नहीं, बट हम जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे पीछे हमारा गांव का कुछ रास्ता इस तरह है, जो अपोजिट साइड है, मतलब मार्केट के साइड नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड ये है। काश हमारे झारखंड के नेताओं को हमारे एरिया जो भी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन काश इस चीज़ पे भी ध्यान होता। मतलब अभी तक का जितने गांव है ना उसमें सबसे बिछड़ा हुआ जगह, मतलब लगता है वैसे तो मार्केट के बिल्कुल करीब है, लेकिन जब अंदर आने के बाद ऐसा फील होता है कि यार इससे बेकार गांव कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है रोड साधन व्यवस्था जो है आने जाने की, उस वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप मेरे गांव में एंट्री करना चाहते हैं तो बगैर नदी क्रॉस किए आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं, थोड़ा घूम के आना पड़ता है, जो कि वो भी रास्ता कभी कभी ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको जिनका खुद की ज़मीन है तो वो ब्लॉक कर देते हैं कि आप इधर नहीं से नहीं जा सकते, और जिधर से रोड है उधर से आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि तो उधर इतना ज़्यादा पानी भर जाता है बारिश के टाइम में। कोई मतलब हाँ गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठंड में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बारिश में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। मुझे लगा इन लोग क्रिकेट खेलने गए पता नहीं क्या, अभी देखो इधर रील बनाने की ट्राई में चल रहा है। ओ मिस्टर लोग क्या चल रहा है, रील बना रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी देर से हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, और मोहित अगर ये क्या कर रहा है, नाला बांध रहा है क्या रे गधेड़ा। अरे देखो बेचारा क्या कर रहा है, क्या बात है बाबू। अभी मोहित जो है वहीं पे अभी रील बना रहा है, मोहित और मिथिलेश, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा नदी की ओर। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहिए शायद, मुझे ऐसा लगा, तो मैं जा रहा हूँ नदी की ओर, आपको दिखाते हैं। तो मैं घूमते घूमते देखिए स्टेडियम के जस्ट आगे आ चुका हूँ, और वैसे स्टेडियम तो बनाया वो टूट ही गया है जो कि देख सकते हैं, और ये बारिश की वजह से टूट गया है, क्योंकि थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने उतना गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट तो पैसा बराबर देती है, लेकिन ठेकेदार जो होते हैं वही वाट लगाते हैं हर चीज़ का। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं और मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं ये पत्थर उस साइड का नदी के उस पार है, और ये इस पार है। तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस होगा अंदाज, जहाँ तक लग रहा है मुझे, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा 20 मीटर भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो मोस्टली अगर मैं फिट की बात करूँ तो आई थिंक हाँ 60 फिट होगी इसकी चौड़ाई, जो कि एक पुल की नॉर्मल एक पिलर से दूसरे पिलर की जितनी चौड़ाई होती उतनी भी नहीं है, इतना कम चौड़ा जगह है यहाँ पे। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का सबसे खास रीज़न था, हम इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे गांव में अंदर आने के लिए, हमारे गांव में बरसात में जब आप मेरे गांव में एंटर करेंगे तो वहाँ अंदर आने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश की वजह से, क्योंकि रोड की व्यवस्था नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है। अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो एक नॉर्मल जितना पुल बनता है नदी में उसका एक 10% भी नहीं लगेगा यहाँ पे, अगर पुल बनता है तो। लोग यहाँ पे ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, आगे और पीछे तो जंगल ही जंगल है, पीछे कोई दिक्कत नहीं, पीछे रोड बन सकता है और आगे इधर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो बन सकता है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देख सकते हैं इतनी कम जगहों में बहुत कम लागत लगेगी गवर्नमेंट को और हमारे गाँव का लाइफ सुधर जाएगा। लोग अगर बारिश में कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो उसको मतलब देखने के लिए अगर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे झारखंड सरकार तक पहुँचे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी हैं, यहाँ पे विधायक जो भी हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि इस चीज़ पे भी ध्यान दें, ताकि हमारे गांव का लाइफ थोड़ा सुधर सके। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश आ गई है, आप देख सकते हैं थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो गई, शायद कैमरा में दिख रहा है नहीं, बट मुझे यही दिखाना था जिसके वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अब चलते हैं, शायद मोहित वगैरह है कि नहीं, कि बारिश की वजह से भाग गया घर पे, देखते हैं चल के। लग रहा है दोस्तों मोहित और मिथिलेश दोनों भाग गया डर से, बारिश की वजह से, क्योंकि उन लोग कोई नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, देखता हूँ। अरे लग रहा है इधर ही पेड़ के पास छुपा हुआ है। हाँ इधर पेड़ के पास बच रहा है बाबू लोग बारिश की वजह से। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ और अब जा रहे हैं एडिटिंग करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।